सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जयपुर डेयरी इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही है। चेयरमैन ओम पुनिया पर खुलेआम आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायत सूबे के मुखिया से लेकर मंत्री और विभाग के आला अधिकारियों तक को दी जा चुकी है। क्या पूरा मसला है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जयपुर डेयरी चेयरमैन ओम पुनिया अपने तथाकथित रिश्तेदार की चहेती फर्म को नियमों के खिलाफ टेंडर देने की फिराक में है। आरोप है कि टेंडर के नियमों में अपनी सुविधा के अनुसार फेरबदल करने से डेयरी को लाखों रुपए का घाटा हर रोज उठाना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार जयपुर डेयरी में साल 2018 में दूध की पैकिंग का टेंडर गोकुल राम गुर्जर को 2 साल के लिए दिया गया था, जिसकी अवधि 1 नवंबर 2020 तक है। इसमें नेगोशिएशन के बाद 24.50 रुपए प्रति लीटर की दर से ये कार्य आदेश दिया गया था, जिसके तहत कानोता दूध पैकिंग संयंत्र को बंद करके जयपुर डेयरी में ही दोनों प्लांटों पर काम शुरू कर दिया गया था। मैसर्स गोकुल राम गुर्जर की फार्म को पुरानी दरों पर ही दूसरे प्लांट में दूध पैकेजिंग का काम दे दिया गया था। इससे डेयरी को करीब 1,15,000 रुपए प्रतिदिन का फायदा होने लगा था, लेकिन आरोप है कि अब डेयरी चेयरमैन टेंडर शर्तों में बदलाव कर अपनी चहेती फार्म को टेंडर देने पर अड़े हैं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध संचालक ने अपनी जांच रिपोर्ट में डेयरी को फायदा होने की बात कही है। उन्होंने इसका खुलासा बिंदुवार रिपोर्ट में भी किया है। तो इस मामले में समाजसेवी प्रवीण सिखवाल ने सीएम और एसीपी को शिकायत दी है। मामला यह है कि जयपुर डेयरी में दूध पैकिंग का ठेका 1/11/2018 से 2 वर्ष के लिए किया गया था। ये ठेका हुआ उसके 3 महीने पहले ही दोनों प्लांटों में दूध पैकिंग का कार्य संपादित हो रहा था, फिर भी इन्होंने नए प्लांट का बहाना बना के दूध पैकिंग कर अधिकारियों पे दबाव बना के और कमेटी को मतलब ये दबा के वो अपना टेंडर करवाना चाहता है, जो कि गलत है। जबकि हमारे ये दूध पैकिंग का जो ठेका हुआ उनसे डेयरी को 1,15,000 पर डे का फायदा हो रहा है। इससे पहले एक और मामले में पुनिया पर आरोप लग चुके हैं। पिछले साल 21 नवंबर को जयपुर डेयरी से अलवर डेयरी दूध ले जाते समय टैंकर संख्या RJ23GA3041 में दौलतराम जाट मिलावट करते पाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जबकि दौलतराम को 4 दिसंबर को दूध परिवहन से हटाया जाना था और धरोहर राशि भी जब्त होनी थी, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि पुनिया ने ऐसा नहीं होने दिया। और इसी तरह के एक और मामले में एसीबी को भ्रष्टाचार की शिकायत की जा चुकी है। तो पुनिया पर अपने रिश्तेदार की फार्म एफबी सिक्योरिटी को नियम विरुद्ध मैन पावर उपलब्ध कराने का ठेका देने का भी मामला चल रहा है। मोहनलाल जी के द्वारा की गई शिकायत की हमने पुनः मांग की है, क्योंकि उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो जाँच की गई थी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जो जाँच की, उसमें स्पष्ट पाया गया कि जो मिल्क कैंस थी, दूध की जो टंकियाँ थी, उसमें पानी भर के जयपुर लगाया जा रहा था। ये चीज भ्रष्टाचार विभाग ने माना था, तो और जो कर्मचारी इसमें लिप्त थे उनको डिपार्टमेंट ने स्थानांतरण कर दिया। स्ट्रीट ऑफ इट के उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए था, उनकी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से बचाया गया। अब देखना होगा कि जयपुर डेयरी में चल रही मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कब ठोस कदम उठाती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।